दुखियों दिनों पर दया हुई भव पार किया गुर प्यारे ने। राधा स्वामी ये शब्द जिन्होंने सुना है दिमाग रखते हैं वो समझ सकते हैं। पर पहली कड़ी दुखिया दीना पर दया हुई भव पार किया गुर प्यारे ने। पहला सवाल यह दुखी कौन है? दुखी वो है जिसमें किसी चीज की कमी है, जिसको किसी चीज की जरूरत है वो दुखी है। जितनी औरतें मेरे लोग आते हैं रोते हैं, किसी चीज की उनको जरूरत है ना, कोई कमजोरी है उनको, वो दुखी है। उस कमजोरी को दूर करने के लिए इंसान दीन होता है। आज मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ, तुम उसको सत्संग नहीं कराता, अपनी आत्मा से पूछता हूँ। तू जो गाता गा के गुण गाता रहता है बेहया, सूखे गुरु गुण गाता है कि सच्चे गाता है, या यूं ही अज्ञान में फंस कर तानी गुरु करता फिरता? सच्चा सच्चाई से गुण गाता क्यों करो आगे निर्धन को भगती योग यती का दान दिया गुर प्यारे ने। आगे मदमान ने अति भरमाया था माया के फांस फंसाया था। भक्ति क्या है वो? तुम ये समझते हो बाबे फकीर का याद करना, बाबे फकीर की पूजा करना, बाबे फकीर के पांव को मत्था टेकना भक्ति है? दुनिया सब इसी में मर गई। राधा स्वामी मत की भक्ति क्या है? भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कटे बनता है विचारी, सत्य पुरुष चौहे पद वासा, संतन का जहां सदा विलासा, सोखार दर्शाया सदगुर पूरे, बीन बजे जहां रज पूरे, आगे अलख पुरुष दर बारा, देखा जाए सूरत से सारा। यह भक्ति बाहर के गुरु ने मुझको असली भक्ति बता दी। इस असली भक्ति का मुझको पता नहीं लगता। असली भक्ति क्या? मैं तो गाता जाए के बार पांव को चाटना, उनको फूलों के हार चढ़ाना, उनके मुंह में खजूरें ला के बगदाद से देना और उनको दस्त लगवा देना, उनके मुंह में चार दर्जन संतरे ठोंस के खुला देना और फिर उनकी उल्टी करवा देना, मैं इसको भक्ति समझता था। इस असली भक्ति को देने के लिए मुझे ये काम मिला था। ये एक पीले कपड़े वाला बैठा, ये कहता है बाबा तुम उपरी में गए वहां सत्संग कराया,
संत ताराचंद विनोद वाला कहता है मैंने दोपहर को उसके साथ छोले काटे। डॉक्टर जगजीत सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर था हमारे पंजाब का, लंदन से मुझे महीना आया खत आया, मैंने इनको पढ़ के सुनाया अंग्रेजी का नियर को। वो लिखता है बाबा तूने रात को 2 बजे मेरा दरवाजा खोला, खटखटाया, वहां मुझको सत्संग कराया। आओ भारतवर्ष के मजबूत दुनिया वालों, ऐ भारतवर्ष के गुरुओं, ऐ मजबों के वालियों, मेरे शरीर को कुछ पड़े अगर मुझको इन बातों का कोई पता हो। मैंने अपने आप को इस संसार में अनामी धाम से आया हुआ अवतार कहा है संसार को, उसका सबूत दिया जाता हूं कि मैं कैसे अवतार हूं। ये तो समझ ले इसका दिमाग खराब हुआ हुआ। वो डॉक्टर क्या उसका नाम है जगजीत सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर, बड़ा एबीएस डॉक्टर एलिस महाराज, ये है चिट्ठी। ये डियर एस गुरुदेव डिंडा ऑफ कंगना, यू आर ऑलवेज विद मी, टुडे अर्ली मॉर्निंग यू ओपन माई डोर and we had a sakshat darshan and satsang. You got me out of my state of tense in which was I was at that time. मैं ये भाषण दिया जाता हूं क्यों कि असली भक्ति क्या है और इस असली भक्ति से क्या होता, पढ़ो आगे। अब घट में जलाया अपने मेरे से ज्ञान दिया गोरे प्यारे ने। अब ज्ञान हो गया नहीं मुझे, क्या ज्ञान हुआ मुझे कि जितने भी खेल तुम्हारे मन के अंतर होते हैं, किसी के अंतर राम आता है, किसी के अंतर कृष्ण आता है, किसी के अंतर बाबा सावन सिंह आता है, किसी के अंतर कृपाल सिंह जी आते हैं, किसी के अंतर कबीर चंद आता है, किसी के अंतर जय गुरुदेव आता है, किसी के अंदर निरंकारी आता है, किसी के अंदर कोई आता है, वो था क्या है क्या? इंसान के अपने ही मन का खेल है और वही माया है। दुनिया ये सारी की सारी इस माया के चक्कर में आकर, मुख्तलिफ मजहबों और पंथों और गुरुओं के चक्कर में आ गई। नतीजा यहां हजारों मजहब हैं, हजारों पंथ हैं, कहीं सिख हैं, कहीं मुसलमान हैं, कहीं नानक पंथी हैं, उनमें गैरियत आ गई, द्वेष आ गया, नफरत आ गई और इंसानी नस्ल बट गई। रोज झगड़े, रोज फसाद,
इन मजहबी जुनून को दूर करने के लिए इस कलयुग में संत आते आए, गाता गया आए। देखो वाणी सुनो, कबीर आया, किसी संत ने किसी महात्मा ने वो जो असली बात थी दुनिया को नहीं बताई, बल्कि अपने मान अपने डेरे अपनी इज्जत और अपनी बड़ाई को लेकर के अलादा अलादा गद्दियां अलादा अलादा मजहब अलादा अलादा पंथ बना लिए। और हम इंसानी नस्ल को बेवकूफ बना के पेड़े बना के हमको नचाया है चलाया है। मेरे जुम्मे दूखी है तेरा रूप है अद्भुत अचलज तेरी उत्तम देही, जग कल्याण जगत में आया परम दयाल स्नेही। अगर ये राज जो मैं दिए जाता हूं संसार को ऐसे दिमाग के दिलों में आ जाए तो हमारा जो मजहबी द्वेष है मजहबी तासब है ये खत्म हो जाए। तुम देखते नहीं हो गद्दियों के लिए लालसें, स्वामी बाग दयाल बाग के मुकदमे, सोचो क्या हो रहा है। एक गद्दी वाला संत जब मरने को बूढ़ा हो जाता है उसके चेलों में झगड़ा पड़ जाता है, कोई पार्टी कहती है हम गद्दी पर आ जाएं, दूसरा कहता है हम गद्दी पर आ जाएं। क्या कह रहा हूं मैं हूं अवतार, संसार के कल्याण हेतु कह जाता हूं को मैं जानता हूं कि आज मेरी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, गुरु की कोई गद्दी नहीं है, गद्दी पति है मूर्मति, जो इसमें फंसा उसकी बुद्ध नसी, ये भी काल का जाल अब डर काहे का, मेरा प्रगटा घट में जाल। लोग संत कृपाल सिंह बीमार हुए, एक आदमी वहां से आया महाराज उनके आश्रम में गद्दियों का झगड़ा पड़ गया, कौन बनेगा अब इसकी जगह गद्दी पर। संत कृपाल सिंह को कहता मैं अभी नहीं जा रहा बेवकूफ को, इन गद्दियों के सिलसिले में हम इंसानी नस्ल को बेवकूफ बनाया गया। हंसा गुजर गया 10 साल के लड़के को गद्दी दे गया, दुनिया बेवकूफ बन के लाखों रुपया खर्च करके उसके पीछे घुसती है। निरंकारी गुजर गए अपने नौजवान लड़के को गद्दी दे गए। सोचो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। पब के पार तो गया कोई ना, गुरु के ज्ञान ने मुझको पब से पार कर दिया, परवरदिगार कहा है मेरे मद मान ने अति भर माया था, माया के मत मान गया। अब यह कह रहे बाबा तू उपली में गया सत्संग कराया, मैं तो था नहीं। अब इसको उस माया के चक्कर का मान आ गया, हाया कि मैं गया नहीं, जो कुछ इसने देखा इसके अपने मन का खेल था, कुछ नहीं था। और मैं ऐसे प्रोपेगंडा करने के बरखिलाफ आवाज देता हूं, आजकल के गुरु ऐसे सत्संगी जब प्रोपेगंडा करते हैं उनको स्टेज के ऊपर बैठाते हैं, लाउड स्पीकर आगे रखते हैं, सुनो भाई ये क्या कहता है,
इस तरह से लोगों को कह कह करके अपना मान, अपनी बुजुर्गी और अपनी बड़ाई लेते हैं। और दूसरे, अब जब ये बात दूसरे सुनेंगे इससे उनके दिल में ख्याल होगा, बाबा इतना बड़ा आदमी, बाबा इतना बड़ा आदमी है, उखली जाता है। जाके जगजीत सिंह अब यही कहेगा ना, बाबा बड़ा करने वाला, मेरा दरवाजा 2 बजे सुबह को खुला। और इस किस्म का प्रोपेगंडा करके मेरे नाम को 10 चांद लगाएंगे, आसमान पर उड़ाएंगे, ये है क्या माया। इस माया से निकलने के लिए संतों की तालीम है, इस माया से निकालने के लिए सनातन धर्म की तालीम है। क्या सनातनी निकले? क्या ये राधा स्वामी निकले? क्या कह रहा हूं, सत्संग दिया जाता हूं, आने वाली दुनिया याद करेगी कि कोई सत्पुरुष दुनिया में आया था, क्या कह गया। सोचो, तो फबके पार तो वो जा सकता है जिसको ये ज्ञान हो जाए कि मेरा रूप, मैं जो हूं, ये कुछ और है, ये जो कुछ मैं नजारे अपने अंदर देखता हूं, ये और है। जब तक किसी को ये यकीन नहीं होता, वो उस भवसागर के जाल से लाखों जन्म बचक गुरु की पैर चाटता रहे, वो भवसागर के पार नहीं जा सकता। और न मैं ऐसा प्रभुगंधा करने की लोगों को इजाजत देता, बिल्कुल। ये है क्या, जिस किस्म का इंप्रेशन, सजेशन किसी की खोपड़ी में बैठ गया है, वही उसको अभ्यास में, स्वप्न में, या अगर गहरा है तो जागते हुए उसको नजर आता है। जिनको जागते हुए को ऐसा दृश्य नजर आता है, उनको कहते हैं पागल। ये बैठा हुआ है, ये बुद्धा प्रभु व्यास, इसने मुझे खत लिखा, किसी के मकान पर था, हार्ट अटैक हो गया, कहता 5 मिनट में बेहोश, 2 घंटे 1 घंटा बेहोश रहा। जब इसको होश आई, क्या कहता है, एक ड्रैगन आया, ड्रैगन इसकी सुरू को ले गया। तो आगे एक बड़ा भारा सुंदर सिंहासन है, वहीं बैठ जाओ, उसके ऊपर बाब आप बैठे हुए, मैं सिर पर मणि और जवाहरात का मुकुट है, सूरज की तरह मेरा चेहरा चमकता है। सिंहासन बड़ा अच्छा, तो आप कहते हैं तुम इसको क्यों लाए हो? वो पागा ये कहता है, आप, मैंने इसको मारा, भगा दिया। तो ये कहता है, मुझे लिखता है, मुझे लिखा है इसने, अब जुबानी भी कहता है, कहता बाबे ने कहा पहले मात लोग को चढ़ा जा, मैं तेरा बड़ा भाई हूं, पहले मैं जाऊंगा, पीछे तू जाएगा। इस किस्म की बातें ये व्यास वाले, आगरे वाले, हंसा वाले, दूसरे गद्दियों वाले अपने गुरुओं के मतलब मशहूर करा के आके उनके नाम को 4 चांद लगाते हैं। और फिर गुरु महाराज मूछों को ताए देकर के साथी अकड़ के स्टेज पर बैठ के ऐसी बातें सुनते हैं और लोगों को बताते हैं, मैं तो नहीं गया, वो कौन था, वो इसका अपना ही मन था।
जिस किस्म का सजेशन और इम्प्रेशन इंसान के दिमाग पर होता है वही फुरता है। और तमाम संसार इस भवसागर में कभी तुम्हारा उसी मत को मानो कहते हैं, ऋषि मुनि सब फिर रहे इस मन की खानी, ज्ञानी योगी भगत उपासक इन सब चक्कर खाया, अपने घर कोई नहीं पहुंचा, निज घर अपने कोई न पाया आया। सोच लो मैं क्या कह रहा हूं, मैं खूब जानता हूं मैं कहां बोल रहा हूं, मैं पांचवें पद में बैठ के बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? दो बात, एक गुरु है, दाता ने कहा था निबल अबल अज्ञानी जीवों की मदद करना, कर तो रहा हूं तुम्हारी मदद, मगर तुम इस मेरी मदद के मुस्तक हो? तुम इस भवसागर से पार जाना चाहते हो? जगत कल्याण के लिए काम तो कर रहा हूं, क्या दुनिया जगत कल्याण चाहती है? कौन सुनता मेरी बात को? दुनिया उनकी बात को सुनती है, नच्चे कुद्दे तोड़े तान, दुनिया रखे उसका मान। यह है एहसान जो आज पहले गुरु प्यारे में मुझ पर जाकर शुरू से पढ़ो। दुखियां दीना पर दया हुई भव पार किया गुर प्यारे ने। मैं दुखी था, रोया करता था, दुखी होकर के दाता के पास गया, उस दात पास ने मुझको छाती से लगा, मेरे अज्ञान को संभाला, अज्ञान की भक्ति को संभाला। कितनी अज्ञान, अब मैं रोता हूं कि मैंने क्या क्या गलती खाई, प्रेम में जाके चार गर्मी की संकेत हो गया, गोद में बैठ गया, छिलका उतारू बमै चिड़िया और बी उनके मुंह में देखता जाऊं, बोले नहीं, चार दर्जन केले सारे उनके पेट में डाल दिए, मैं एक तरफ गया, पीछे से वो बाहर गए, गले में उंगली डाली, सबकी निकाल दिया, शिकायत नहीं की जाता दयाल ने। बगदाद से खजूरें लाया दो पैकेट, बड़ी अच्छी खजूरें होती, शाम को प्रेम से खजूरें उनके मुंह में, कभी कभी याद आता है तो अपने खोटे कर्मों को, अपने अज्ञान की भक्ति को याद करता हूं और उस दाता की दया को याद करता हूं, तो आंखों से आंसू आते हैं। मेरे उस अज्ञान को उन्होंने संभाला, अच्छा खिलाड़ी कहते हैं अब खुश हो बकी, मैंने कहा हाँ महाराज, जब सुबह उठे जहां देखता हूं वहां चौंका दिया हुआ है, यहां चौंका वहां चौंका वहां चौंका वहां चौंका वहां चौंका वहां चौंका। गौरी शंकर उनका दामाद था, मैंने पूछा महाराज क्या हुआ, ये क्या है? ओह कहते हैं कल फकीर लाया अमृत खिला गया, जितना मेरा गंध था अंदर का सब निकल गया। मैं ऐसी रात पाक के हुक्म की तामील में काम कर रहा हूं, रात को टटियां लग गई उनकी, आगे तटी तक नहीं जाया जाता था,
उठे वही बैठ गए, फिर मिट्टी से साफ कर दिया, पोछे दिए हुए। तो अगर मैं गुण गाता हूँ दाता की, क्या मैं गाने, मैं कहाँ मूर्ख ज्ञानी बेवकूफ से बेवकूफ आदमी, और कहाँ जात पाक ने मुझको गले लगाकर इस पवसागर से पार कर दिया। पवसागर से किसने पास किया? ज्ञान देकर। ये ज्ञान नहीं आता, मैं गुरु 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 कोई नहीं, वो काम जो मुझको दिया गया था मेरे भ्रम और मेरे अज्ञान को दूर करने के लिए दिया गया था। अब मैं कितने का आदमियों को गुरु बना के उनका अज्ञान दू, जिसको गुरु बनाऊंगा वो लूटेगा तुम लोगों को, जिसको अपनी गद्दी दे जाऊंगा, गद्दी का अगर निशान बनाऊं जिसको दे जाऊंगा वो क्या करेगा? ऐसी बातें प्रभु गंडा उसके साथ भी होंगी। तुम किसी 10 नंबर के बदमाश को गुरु बना दो, लोगों को मजबूर कर दो ये बड़ा करने वाला है, उसका रूप लोगों के अंदर प्रकट होता रहेगा। उसका रूप लोगों के अंदर प्रकट होता रहेगा, वो तो ख्याल लिया जाता है। भारतवर्ष के मजहबी दुनिया वालों, मैं तुम्हारे लिए पैगाम लाया हूं। दस नंबर के दुराचारी को, बदमाश को तुम एक पर्दे में रखकर गुरु मशहूर कर दो, और 20-25 आदमी उसकी सेवा में लग जाए, मशहूर कर दे, तुम देखोगे उसका रूप तुम्हारे अंदर प्रकट होता रहता है, दूसरों के अंदर प्रकट होगा। वो रूप जो प्रकट होते हैं वो जो तुम्हारे अपने मन के विश्वास के श्रद्धा के हैं। मेरे पास एक आदमी आया करता मध्य प्रदेश का, वहां एक बाबा सामू सिंह का चेला था, उसने वहां गद्दी बना ली। वो जो आदमी था भगत था, भोला पाया था, उसकी 300-400 आदमी थे मित्र, उसने जाके उसको गुरु धारण कर लिया। उन्होंने कहा तुम्हें तुम्हारी सुर्ख को शब्द में चढ़ा दूंगा, मेरा डेरा बना दो। अब उसने करके जमीन ले दी, अपने सिर के ऊपर कुआं खोद खोद करके वहां कितना कुआं बनाया, आश्रम बना दिया। जो उसके साथी थे सब उसके चेले बन गए। एक उनमें से चेला था जिसमें सिद्धि शक्ति आ गई थी, वो अपने गुरु पर विश्वास रखता था ना, उसका ध्यान करता था, उसमें सिद्धि शक्ति, कोई आदमी आता उसके दिल की बात बता देता। उसकी औरत को उस गुरु ने हाथ डाला, उसने अपने खावन को कहा कि ये बात है क्या, ये है? उसने कहा तू मेरे गुरु को बदनाम करती है। उसने उसको खूब मारा, उसने उसको खूब मारा अपनी औरत को, वो चुप कर गई। वो जो मेरे पास आदमी आया करता था उसने उसको बोला अंधो अंधो, मैं सच कहती हूं तुम बेवकूफ हो, कहां लगे हुए हो तुम। उन्हें कहा इसका सबूत दे, उन्हें कहा रात को इमली के दरख्त पर चढ़ जा, पता लग गया। रात को वो दोनों आदमी इमली के दरख्त पर चढ़ गए, समझ गए मेरी बात को। मैं दर्जे देर रख करके सत्संग कराता हूं, मेरी कदर करने वाले तुम हो, तुमने मेरी क्या कदर करनी। वो रात को देखा तो उसके पास औरतें आती थी, वो तो अपनी बीवी और बच्चों को लेकर भाग गया। और वो जो कि उसका भाई गुरभाई था, वो ऐसे गुरु की प्रेम करता था, उससे उसमें सिद्धि शक्ति आ गई थी।
तो सिद्धि शक्ति का जो आना है ये तुम्हारे अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा और अपने अभ्यास का कारण है। किसी गुरु ने तुमको सिद्धि शक्ति नहीं देनी। मैं खूब जानता हूं, मैं मानवता मंदिर की जड़ों में कुहाड़ी मार रहा हूं। मैं खूब जानता हूं कि इस किस्म के भाषण देकर के तुम लोग यहां पैसा नहीं दोगे, इसको भी मैं जानता हूं। मगर मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं संसार में निबल अबल अज्ञानी और भोले भक्तों के सुधार और उधार के लिए संसार में प्रगट हुआ। शब्द में कह लो, हम आए आए आए। तुमको दुखी देख निज आंखन से दिल में दया समाई, दया रूप धर प्रगटे जग में दया यहां ले आई। सूर्य दया का गगन प्रकाशा निकला, पढ़ो। तुम मेरे सत्संग में आए हो, मैं अपना फर्ज एक समझता हूं कि आप लोगों को, संसार को सच्चा ज्ञान दे जाऊं, सच्चा भेद दे जाऊं। गो मैं जानता हूं कि तुम इस सच्चे राज, सच्चे ज्ञान के अधिकारी नहीं हो। निकला, निकला पढ़ो। सूरज दया का गगन प्रकाशा करे